मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा कहता। खुशबू में बसे खत 28 नवंबर से मंगल शब 8 बजे। मॉम आपने शबाना से खाने का कह दिया। मॉम शाजैन से भी पूछ लीजिएगा, उसके मूड का पता ही है आपको। हम चुप क्यों हैं, क्या हुआ? शाजैन ने तुमसे झूठ बोलकर शादी की है, वो फरियाल से निकाह कर चुका है। क्या कामरान का फोन आया था, शाजैन के बारे में पूछ रहा था। ये सारी बातें मुझे कामरान ने ही बताई है। अम्मा वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा मुझसे, ऐसे नहीं कर सकता मेरे साथ। मॉम गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली है फयाज से? जवाब दो ना, चुप क्यों हो? क्या क्या कह रही हो तुम? कामरान का फोन आया था, कह रहा था कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको मना भी किया था वहां से किसी का फोन अटेंड नहीं करना। आप चुप हो रहा था ना? वहां फरियाल से शादी करी और यहां के तुमने मुझसे निकाह कर लिया। झूठ क्यों बोला? नहीं। बोलो राहेल, होश में आओ। झूठ क्यों बोला? हाँ हो गई मेरी शादी फरियाद। जब कल रात को तुम्हारा फोन आया था, मेरा निकाह हो चुका था उससे। और मैं क्या करता उस वक्त? तुम तो राजी हुई नहीं थी, और बाबा को इतने मेहमानों के सामने में शर्मिंदा नहीं कर सकता था। देखो प्लीज प्लीज, प्लीज सुनो मेरी बात। मैंने जो भी कहा है इस वक्त वो सच है, ट्रस्ट मी, मेरी बात के यकीन करो प्लीज। Please believe me. बहुत अच्छा नाश्ता था, बिला वजह तकल्लुफ किया लेकिन आपने। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, ये तो रस्म है। अच्छा लगता है कि दुल्हन के साथ सब मिलके पहले दिन नाश्ता करें। शाहजैन अभी तक नहीं आया, हम कब से इंतजार कर रहे हैं और कितना टाइम लगेगा? शाहजैन से मेरी बात हुई थी, वो वलीमे का इनवाइट देने के लिए दोस्तों को गए हैं, तो वक्त लगेगा आने में। ओ भला ये क्या बात हुई, हम इंतजार कर रहे हैं और आज फिर दूल्हा साहब मंजर से गायब है। हम चाह रहे थे कि आए हैं तो शाहजैन से भी मुलाकात हो जाए। भाजी इसमें ऐसी क्या बात है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन हम शाहजैन का वेट नहीं कर सकते, फैजी घर पे अकेला है ना। तो देखिए आप ही का घर है, जब चाहें आप आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्यों? जी जी इंशाल्लाह क्यों नहीं, दोबारा मुलाकात होगी। तुम खुश तो हो ना?
जी जी मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि इतने अच्छे घर की बहू बनी हो, शाहजहान जैसा लाइफ पार्टनर मिला है तुम्हें। अंकल थैंक यू सो मच, आपने अब्बा जी की कमी को पूरा कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। याद दीजिए इब्राहिम साहब। ओके ऑफिस। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। Just shut up. प्लीज मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो वाकई सच है। तुम्हारी कसम। ये थी तुम्हारी मोहब्बत? ये थी तुम्हारी मोहब्बत? दिखा दी ना। तुम मुझसे सच भी शेयर कर सकते थे शाहजहान, तुमने क्यों छुपाई मुझसे ये बात? सच कैसे शेयर करता सच? आंटी ने मुझे रात को फोन करके बताया कि तुम अपनी जान लेने की कोशिश कर रही हो, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया मैं तुम्हारे पास। और तुमसे अगर निकाह ना करता तो ना जाने तुम क्या कर बैठती, या तो खुद को मार देती या फरियाल को या फिर मुझे। Damn it. इस वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नाहिल प्लीज, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मनाहिल कमरे में जाओ, बाद में बात करेंगे। इसने मुझे धोखा दिया वो। ये सिर्फ मुझसे बात करेगा और सिर्फ मुझे जवाब देगा। मनाहिल देखो, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि जब तुम मेरी बात समझने की पोजीशन में होगी तब हम बात करेंगे। ओके? तुम्हारी शक्ल से इस वक्त मुझे शदीद नफरत हो रही है शाहजहान। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहां से निकल जाओ। मनाहिल आप हम दोनों के दरमियान नहीं बोलेंगी मामी, हमारा प्रॉब्लम है। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? गेट आउट। देखो मनाहिल, कैन यू प्लीज लीव। फरियाल बेटा, तुमने सबर करके अपने घर वालों के सामने मेरी जो इज्जत बनाई है उसका अजर तुम्हें अल्लाह ही देगा। तुमने मेरे दिल में वो मकाम बना लिया है जो एक बेटी का होता है। बाबा मैं उनको हकीकत बताकर सदमा नहीं देना चाहती और ना ही अपनी जात से तकलीफ देना चाहती हूँ। मेरे आंसू मेरे इख्तियार में नहीं है, मगर दूसरों को दुख से बचाना मेरे बस में है। काश शाहजहान जैसे नालायक और नाफरमान बेटे की जगह अगर मैं तुम्हारी जैसी नेक बेटी का बाप होता तो मेरा सर शर्म से झुकने के बजाय फखर से बुलंद होता। मैं अपने बेटे को बदनसीब कहूंगा कि तुम जैसी अच्छी बीवी की कदर नहीं कर सका। हीरा मिला था हीरा, शायद वो तुम्हारे काबिल नहीं है। नहीं बाबा, उन्हें बदनसीब मत कहे, वो बेटे हैं आपके और अब मेरे शोहर। तुम्हारी जगह आज कोई और लड़की होती तो मेरी बरसों की बनाई इज्जत तुम्हारे घर वालों के सामने खाक में मिल जाती। मैं तुम्हारे घर वालों से कभी नजरें ना मिला पाता। काश मैं भी अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करता जैसे अमानत अली ने तुम्हारी की है। Thank you.
तरह कब तक रोती रहोगी मेरी जान? ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। क्या कर सकती हूँ मैं रोने के अलावा? मोम समझ नहीं आ रही कि मैं कल गलत थी, आज बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ। मैं क्यों इतनी इमोशनल हो गई? मुझे ये नहीं करना चाहिए था, सब मेरी गलती। I shouldn't have done this. नहीं मेरी जान, गलती तुम्हारी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम इस वक्त कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन देखो अगर तुम इस बारे में इतना सोचोगी तो खुद को तकलीफ पहुंचाओगी। क्या करूं? माफ कर दो शाहज़ैन को। क्या हो गया मां? मैं उसे नहीं माफ कर सकती। और आप कैसे ये कह सकती हैं? आप मेरी माँ हैं, आप उसकी माँ थोड़ी हैं। देखो बेटा, मैं शाहज़ैन को बेटी की तरह इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि तुम उसे चाहती हो, उसके साथ खुश रहती हो। अगर तुमने अभी शाहज़ैन को माफ नहीं किया ना तो फरियाद तुम्हारी जगह लेने में देर नहीं करेगी। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, शाहज़ैन की मजबूरी थी जो उसने फरियाल से निकाह किया, लेकिन उसने उसने तुमसे दिल से निकाह किया है। दिल से? बेवकूफ मत बनो मनाहिल मेरी जान। इस वक्त तुम शाहज़ैन को अपने से दूर करके फरियाल के करीब कर रही। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर फरियाल ने शाहज़ैन के दिल में जगह बना ली तो तुम क्या करोगी? हाँ बेटा, अगर शाहज़ैन झूठ ना बोलता तो जाहिर है इस निकाह के लिए ना मैं राजी होती और ना ही तुम। जो होना था वो हो गया, उसे माफ कर दो और आगे बढ़ो उसके साथ। शाहज़ैन कहां से आ रहे हो? मैंने पूछा है कहां से आ रहे हो? बाबा वो मुझे तो लगता है तुमने हर नए दिन मुझे शर्मिंदा करने की कसम उठा रखी है। तुम्हारे ससुराल वाले आए थे नाश्ते पर, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम्हें रत्ती भर भी एहसास नहीं है। तो मैंने बुलाया था उनको क्या? अगर वो आए थे अपनी मर्जी से आए थे, और आप प्लीज मुझे फालतू रस्मों के लिए मजबूर मत किया करें। हाँ तुम्हें तो रस्मों रिवाजों से क्या मतलब? तुम्हें तो किसी की कोई परवाह नहीं, ना खानदान की, ना ससुराल की और ना मेरी इज्जत की। कौन सा ससुराल बाबा? आप जानते हैं कि मेरा कोई ससुराल नहीं है। मेरा ससुराल सिर्फ अमानत अंकल थे जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे। शाहज़ैन सुन रहे हो इसकी बातें? इसे किसी रिश्ते किसी ताल्लुक का पास नहीं। जो जी में आ रहा है कर रहा है। शाहज़ैन अपने कमरे में जाओ। I said go to your room now. आपने मेरा लेटर तो पढ़ लिया होगा ना? सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर वापस आया हूं मैं। वरना मैं इस वक्त अमेरिका जा चुका होता। पर क्या करते आप लोग? बाबा प्लीज गुस्सा मत करें। गुस्सा करने से मसाइल हल नहीं होते, आप ही ने सिखाया हमें, और आप खुद ही गुस्सा कर रहे हैं। प्लीज काम डाउन। तो मैं क्या करूं? इस लड़के ने तो मेरी सोचने समझने की सारी सलाहियत मफलूज कर दी है। क्या करूं इसका मैं? कहीं फरियाल से इसकी शादी करके
मैंने गलती तो नहीं की कामरान? बाबा प्लीज प्लीज रहम करें अपनी तबीयत पे। आप फिक्र ना करें, उसे आज नहीं तो कल एहसास हो ही जाएगा। आप तो सब छोड़ के चले गए थे। मेरा घर है ये, मेरी मर्जी, मैं कब आऊं कब जाऊं, तुम कौन होती पूछने वाली? बीवी हूं आपकी। जबरदस्ती का रिश्ता ये, समझी तुम? मतलब वो माफिया, दिल की रजामंदी, वो सब झूठ था। मुझे सजा देने के लिए शादी की है। हाँ हाँ यही समझ लो तुम। तुम्हें तो बहुत शौक था ना इस ऐशो इशरत की जिंदगी का। कंग्रेचुलेशंस, ये सब तुम्हारा है सिवाय मेरे। और क्या कमाल की एक्टिंग की तुम। पहले बाबा को मेरे खिलाफ भड़काया कि मैं ससुराल वालों से मिलने नहीं आया, और अब ये ड्रामा कर रही हो तुम। मैंने बाबा को कुछ नहीं कहा, उल्टा अपने घर वालों के सामने आपकी इज्जत रखी है। अपनी इज्जत करवाना खुद से मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, तुम्हें एहसान जताने की जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो, बाबा को मेरे खिलाफ करके ऑलरेडी तुमने मेरी जिंदगी बहुत अजाब बना दिया है। और अजाब क्या होता है ये अब मैं तुम्हें बताऊंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। तुमने मुझे क्या कहा था? बीवी बीवी हो ना तो मेरी। चलो गेट टू वर्क, कोर्ट पे ना मुझे। सुना नहीं तुमने? कम ऑन। शूज लेके आ मेरे। क्या कहते हैं शोहर, हाँ सरताज होता है ना बीवी का।
तुम तो वैसे भी बहुत एक फरमाबरदार और नेक बीवी हो। चलो अपनी फरमाबरदारी दिखाओ। ग्रेट। अरे वाह, तुम तो वाकई बहुत फरमाबरदार हो। सोच रहा हूँ आज तुम्हें शादी का एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया जाए जो तुम सारी जिंदगी याद रखो, कभी ना भूल पाओ। इतना कुछ करती हो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। इसलिए तुम्हारे लिए एक बहुत हसीन सरप्राइज तैयार हो रहा है। कैसा सरप्राइज? मेरी जिंदगी में तो सरप्राइज बता के नहीं आते, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सरप्राइज मैं लेके आऊंगा, प्रॉमिस। वैसे भी कल हमारा वलीमा है, ऐसा सरप्राइज होना चाहिए जो कि लोग देखें तो वाह वाह करें, है ना? मगर शाज़ेन, इंतजार। आज शाम शादी का एक खूबसूरत सा गिफ्ट हूं जो तुम कभी ना भुला सको, जो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहे। आप परेशान नहीं हो, कल की रिसेप्शन बहुत अच्छे से हो जाएगी। शाज़ेन कहां जा रहे हो? शादी का गिफ्ट लेने जा रहा हूँ अपनी बीवी के लिए। अरे वाह, मुझे भी बताओ क्या गिफ्ट? सरप्राइज है। बड़ी बात है भाई। इट्स अ फाइन चॉइस मिस्टर शाज़ेन, मैं पेपर रेडी करवाता हूँ। ट्राई कीजिएगा मुझे आज शाम तक मिल जाइए, क्योंकि अपनी वाइफ को गिफ्ट करनी है मुझे। नो प्रॉब्लम सर, ये कार किसी और क्लाइंट की है, लेकिन मैं उन्हें कोई और दे दूंगा। आपको इनकार नहीं कर सकता, इब्राहिम साहब को फेस करते हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक्स। सर पेपर्स रेडी होने तक आप ऑफिस में बैठिए, बताइए क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक्स। तो नहीं हो मुझसे? सिर्फ थैंक गॉड आंटी ने तुम्हें समझाया, अरे मैं तो हिम्मत हार चुका था। शिकायत करना तुम्हारा हक है, लेकिन तुमसे माफी मांगना तो मेरा राइट है ना। आई एम सॉरी। सारा वक्त फरियाद के साथ गुजार के अब मुझसे माफी मांगने आ गए।
क्या सोच है? मेरी सोच में तो हर वक्त तुम हो ना, हर वक्त मेरे दिलो दिमाग पे तुम छाई हुई हो। अच्छा प्रॉमिस करता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दूंगा, और ये फोन भी ऑफ कर दिया। हालांकि आज हमारा वलीमा भी और कुछ। घर वालों को कब बताओगे हमारी शादी के बारे में? बता दूंगा, उन्हें भी बता दूंगा, बहुत जल्द बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे माफ तो कर दो। ठीक है, एक शर्त है। एक शर्त? क्या चाहिए बताओ, बल्कि हुक्म करो। हाँ, व्हाट डू यू वांट? कोई अच्छा सा गिफ्ट? डायमंड्स? ट्रैवल करना है तुम्हें कहीं? हाउ अबाउट दिस, हम की ट्रैवल करते हैं ना, जगह तुम डिसाइड करोगे, लेकिन जान नहीं मांगनी तुमने, क्योंकि मेरी जान तो तुम हो, अब वो मैं किसी को भी नहीं दूंगा, खुद को भी नहीं। फयाल को छोड़ दो उसे, तलाक दे दो उसे। खामोश क्यों हो गए? अभी तो कह रहे थे जो मांगूंगी दोगे, तो इस खामोशी का क्या मतलब समझो मैं? दे दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। नहीं, ये तुम्हें करना पड़ेगा। You have to choose one. या मेरे साथ शादी रह सकती है या उसके साथ। मुझे भी तो पता चले कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या फरियाद। Of course तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अच्छा फाइन, जैसे तुम चाहोगी वही होगा, दे दूंगा उसे तलाक। अब खुश? अच्छा मुझे माफ तो कर दो, देखो मैं कान पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर। सॉरी सॉरी, माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल फाइन, बहुत दिन हो गए आपका दीदार ही नहीं हुआ। बस वो आपके शोरूम की तरफ आना ही काम होता है। फरमाइए, कैसे कॉल की? शाहजहान साहब ने नई गाड़ी निकलवाई है, वही डिलीवर करनी थी। उनका फोन ऑफ जा रहा, सोचा आपसे फोन करके पता कर लूं, लेट हो गया तो वो नाराज होंगे। हाँ, उसे नई गाड़ियों का बहुत शौक है। कब निकलवाई उसने गाड़ी? आज ही निकलवाई, अपनी मिसिस को गिफ्ट कर रहे हैं नई गाड़ी। अच्छा अच्छा, वो फरियाल के लिए निकलवाई होगी। फरियाल? नहीं सर, ये तो किसी और नाम से रजिस्टर करवाई है। किस नाम से? एक मिनट में चेक करके बताता हूँ आपको। सर ये नाम है मनहाइल, मिसेज मनहाइल शाहजहान, इनके नाम से रजिस्टर हुई है। आखिर हुआ क्या है? आपने आपने रिसेप्शन कैंसिल कर दी हूं अचानक। बाबा, शाहजहान से फिर कोई गलती हो गई है? गलती नहीं, गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन बाबा फिर भी बात क्या है? देखिए, आप जब तक हमें बताएंगे नहीं तो हमें मालूम किस तरह होगा, और अगर शाहजहान ने कुछ किया तो आप मुझे बताएं, मैं बात करता हूं उससे। नहीं, कोई बात नहीं करेगा उससे, जो बात करनी है मैं करूंगा उससे। मिलाओ शाहजहान को फोन, मिलाओ। जी भाई,
शाहजहान तुम फौरन घर आओ। क्या हुआ भाई? बाबा तो ठीक है? हाँ ठीक है बाबा, तुम जहां भी हो बस घर पहुंचो। भाई प्लीज बाबा से कहना कि मैं अभी आ नहीं सकता ऐसे। देखो शाहजहान, बाबा इस वक्त बहुत गुस्से में, क्या हुआ ये तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन तुम जहां भी हो फौरन घर पहुंचो। Is that understood? उन्हें कहे मैं आता हूं। क्या कह रहा है? जी बाबा आ रहे हैं वो। देखें बाबा, मुझे तो बहुत उलझन हो रही है, आप बताएं तो सही कि उसने आखिर किया क्या है। उस लड़के ने वो किया है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उससे तो मेरी रही सही इज्जत खाक में मिला दी है। उसने मिनाहिल से शादी कर ली है। गाड़ी किसके लिए खरीदी है? अपनी बीवी के लिए। कौन सी बीवी के लिए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुम्हारे कान बंद हो गए हैं जो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो? क्या तुम जवाब नहीं देना चाह रहे? कौन सी बीवी के लिए? मनाहिल के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है? तुम होश में हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? क्या ये क्या कह रहे हो तुम? मिनाहिल से शादी? तुम्हारी शादी तो फरियाल से हुई थी ना? उसी रात मिनाहिल से निकाह कर लिया था मैंने, जिस रात फरियाल से शादी हुई थी। शाहजहान मजाक कर रहे हो ना तुम? I know you're joking. ये खत्म करो मामला, because यहाँ पे ना बहुत तमाशा लग चुका है. So just tell me. अब मैं को पागल लगता हूँ क्या? जो ऐसे मजाक करूँगा? Nahil is my wife. इस घर की बहू है वो. That's a fact.